नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 जुलाई दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार में अब ऑन स्पॉट होगी शिक्षक कर्मचारियों की गिनती। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा ये। बिजली खपत की जानकारी अब मिलेगी और तेजी से। फोन को स्लो होने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीका। श्री कुमार ने नेट्स में लगाए कमाल के शॉर्ट्स, वीडियो वायरल। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 1551 पदों पर भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा भारत के ITI या संबंधित ट्रेड से झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के अंतर्गत 1551 पदों पर भर्ती हेतु अधिसूचना जारी किया गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर सिविल्स, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक, जूनियर इंजीनियर नागरिक शहरी विकास और आवास विभाग, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल शहरी विकास एवं आवास विभाग, जूनियर इंजीनियर नागरिक जल संसाधन विभाग, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल जल संसाधन विभाग, जूनियर इंजीनियर सिविल पथ निर्माण विभाग, जूनियर इंजीनियर कृषि और जूनियर इंजीनियर विद्युत विभाग के लिए उम्मीदवार को भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित पोस्ट ट्रेड में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। वहीं स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रिकल ट्रेड में डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट, पाइपलाइन इंस्पेक्टर के लिए प्लंबिंग ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट और मोटर वाहन इंस्पेक्टर के लिए LMB ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 जुलाई 2023 तक निर्धारित की गई है। गांव में घूम घूम कर ज्ञान रथ किसानों को सिखाएंगे उन्नत खेती और पशुपालन के गुर। बिहार के किसानों को उन्नत खेती और पशुपालन के गुर को सिखाया जा सके, इसके लिए कृषि विभाग की ओर से 5 करोड़ रुपए जारी कर 4 वाहन तैयार करवाए गए हैं, जिसका नाम ज्ञान रथ है और यह गांव गांव घूम कर किसानों को उन्नत खेती और पशुपालन के गुर सिखाने का काम करेगा। बता दें कि एक ज्ञान रथ का तैयार करने में कुल लागत 1.25 करोड़ रुपए लगे हैं। मालूम हो कि इसकी जिम्मेदारी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को दी गई है, तो वहीं इसके संचालन की जिम्मेदारी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, कृषि विश्वविद्यालय सबौर, कृषि विश्वविद्यालय सबौर, पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना और बामेती पटना जो दिया गया है। बता दें कि इस रथ में कृषि विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक मौजूद होते हैं, जो किसानों को उनकी जरूरत के मुताबिक जानकारी देते हैं। इसके साथ ही इस रथ में किसानों को मिट्टी जांच की भी सुविधा दी जा रही है। मालूम हो कि किसानों को उन्नत खेती और पशुपालन की जानकारी लघु फिल्मों के माध्यम से दिखाई जा रही है। बिहारी बोधरे में आज हम बात करेंगे श्रद्धा शर्मा के बारे में। श्रद्धा शर्मा का जन्म आज ही के दिन 1980 में हुआ था। यह उद्यमियों के लिए एक मीडिया प्रौद्योगिकी मंच योर स्टोरी की संस्थापक, CEO और मुख्य संपादक है। 2008 में योर स्टोरी शुरू करने से पहले श्रद्धा शर्मा ने CNBC TV 18 में सहायक उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहीं और टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ब्रांड सलाहकार भी थीं। चाय विद लक्ष्मी में उन्हें भारत के डिजिटल स्पेस का सबसे बड़ा कहानीकार कहा गया है। उन्हें एक टेकगी स्टोरी में भारत में 5 महिला भारतीय उद्यमियों के बारे में, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, में से एक के रूप में दिखाया गया है। द हिंदू ने अपने एक लेख में उनके बारे में ग्लास सीलिंग जैसी संज्ञा दी है। श्रद्धा शर्मा को समावेशी स्टार्टअप समुदाय के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए नैसकॉम इकोसिस्टम इवेंट्स लिस्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उन्हें 2010 में स्टार्टअप्स के कवरेज के लिए विलग्रो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। 2015 में उन्हें दुनिया भर में 500 लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर के बीच सूचीबद्ध किया गया था और उसी वर्ष उन्हें ऑनलाइन प्रभाव के लिए लोरियल पेरिस फेमिना पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2016 में पैट मेमोरियल आउटस्टैंडिंग एलुमनीज पुरस्कार और 2016 में इंटरनेट श्रेणी के तहत लिंक्डइन में सबसे अधिक देखे जाने वाली CEO थी। जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा ये। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा बीते दिन बिहार सरकार द्वारा जातीय गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस मामले पर सुनवाई पिछले 3 दिनों से जारी है, वहीं आज यानी कि 6 जुलाई को भी यह सुनवाई जारी रहने वाली है। बता दें कि बीते दिन हुए सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता PK साही के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि सर्वे है जिसका उद्देश्य आम नागरिकों के संबंध में आंकड़ा एकत्रित करना है, जिसका उपयोग उनके कल्याण और हित के लिए किया जाएगा।
इस सर्वेक्षण के दौरान किसी को जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि सर्वेक्षण का कार्य लगभग 80% पूरा हो चुका है और ऐसा सर्वेक्षण कराना राज्य सरकार के अधिकार में है। इस सर्वेक्षण में किसी के निजता का उल्लंघन नहीं हो रहा। बिहार में अब ऑन स्पॉट होगी शिक्षक कर्मचारियों की गिनती। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और उससे जुड़े कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मियों को सही भुगतान हो रहा है या नहीं, या फिर राशि का गलत तरीके से खर्च किया जा रहा है, इसकी जानकारी हासिल करने के लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा सभी विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मियों की गिनती ऑन स्पॉट की जाएगी। ऐसे में अगर इस दौरान अगर कोई कर्मी गलत पाया जाता है तो उस कर्मी के ऊपर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उनके वेतन को भी रोक दिया जाएगा। इसके अलावा अब उन शिक्षकों और कर्मियों को ही वेतन भुगतान होगा जिनका खाता आधार से लिंक होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षकों और कर्मियों की गिनती का कार्य विभाग के अलग अलग टीम के द्वारा किया जाएगा और फिर रिपोर्ट तैयार कर उस रिपोर्ट को मुख्यालय को सौंपा जाएगा। मालूम हो कि विभाग की ओर से यह कदम मिल रही शिकायतों को देखते हुए उठाया गया है। बता दें कि विश्वविद्यालय में जितने वास्तविक कर्मी हैं उससे अधिक का वेतन भुगतान हो रहा है। ऐसे करीब 3000 अधिक केस हैं। बिहार में अनावश्यक लोड शेडिंग पर उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा। विद्युत अधिनियम में उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली पाने का अधिकार है और अगर ऐसे में किसी इलाके में अनावश्यक और जानबूझकर लोड शेडिंग की जाती है तो इस परिस्थिति में उपभोक्ता क्षतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं और साथ ही उपभोक्ता क्षतिपूर्ति पाने का भी अधिकार रखते हैं, लेकिन कई जटिलताओं की वजह से उपभोक्ता इसका लाभ नहीं उठा पाते। बता दें कि अगर डिस्कॉम सेवाएं देने में एसओपी का विचलन किया जाता है तो प्रभावित एक या उससे अधिक उपभोक्ता रजिस्टर्ड डाक अथवा हाथों हाथ संबंधित आपूर्ति के विद्युत कार्यपालक अभियंता के पास रसीद के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उपभोक्ता को कार्यपालक अभियंता के द्वारा आवेदन की एक रसीद दी जाएगी और 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित की जाएगी। मालूम हो कि राशि सेवा में चूक करने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों से वसूली जाएगी। वहीं इसको लेकर केंद्र की ओर से सभी राज्यों के विनियामक आयोग को 6 महीने तक क्षतिपूर्ति का दावा व भुगतान के लिए ऑटोमेटिक मैकेनिक विकसित करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन इस संबंध में अब तक डिस्कॉमर्स के स्तर पर अधिसूचना नहीं हो सकी है। बता दें कि सभी सेवाओं के लिए मानक समय व क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है, जिसके आधार पर ही उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाता है। बिहार के इन स्टेशनों पर मिलेगा बिना लहसुन प्याज का भोजन। श्रावणी मेला की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में भारतीय रेलवे की ओर से कांवड़ियों को सुविधा पहुंचाने के लिए कई व्यवस्था की गई है। इसी कड़ी में रेलवे की ओर से बिहार के स्टेशनों पर शुद्ध शाकाहारी नाश्ता और अन्य व्यंजन की व्यवस्था की गई है, जिसे बिना लहसुन प्याज के तैयार किया गया है। बता दें कि जिन स्टेशनों पर रेलवे की ओर से बिना लहसुन प्याज के भोजन की व्यवस्था की गई है उसमें साहिबगंज, कहलगांव, मालदा, भागलपुर, सुल्तानगंज और जमालपुर स्टेशन शामिल है, जहां न तो रेलवे का स्टॉल और न ही कैंटीन में लहसुन प्याज से बना खाना मिलेगा। इन सबके सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध करवाने के लिए एक फास्ट फूड यूनिट भी खोला गया है। मालदा रेल मंडल DRM विकास चौबे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेल प्रशासन की ओर से खान पान में शुद्धता का खास ध्यान रखा गया है। वहीं मालदा रेल मंडल DRM विकास चौबे के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेल प्रशासन की ओर से खान पान में शुद्धता का खास ध्यान रखा गया है। वहीं कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे नागार्जुनी गुफाएं के बारे में। नागार्जुन के पास की गुफाएं बराबर गुफाओं से छोटी एवं नई है। यह गुफाएं बराबर की गुफाओं से 1.6 किलोमीटर दूर स्थित नागार्जुनी पहाड़ी पर स्थित है। इनमें 3 गुफाएं शामिल है। ये 3 गुफाएं इस प्रकार है। गोपिका गुफा, शिलालेख के अनुसार इन्हें लगभग 232 ईसा पूर्व में राजा दशरथ द्वारा आजीविका संप्रदाय के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। गोपिका गुफा बराबर परिसर की सभी गुफाओं में से सबसे बड़ी है। वादिथिका गुफा, यह गुफा चट्टान की एक दरार में स्थित है। इस गुफा का निर्माण भी अशोक उत्तराधिकारी दशरथ मौर्य ने किया था। पापियाका गुफा, इन्हें भी दशरथ द्वारा आजीविका के अनुयायियों को समर्पित किया गया था। बायोफ्यूल प्लांट लगाने के लिए अनुदान पाने को लेकर इस दिन तक करें आवेदन। बिहार में बायोफ्यूल उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वाले लोगों को बिहार सरकार की ओर से बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत प्लांट एवं मशीनरी की लागत का 15% अनुदान दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का होगा। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग की महिला, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक व थर्ड जेंडर के लिए यह अनुदान 15.75% यानी कि अधिकतम 5.25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि इच्छुक व्यक्ति जो इस नीति के तहत अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वह इकाइयों को स्टेट 1 क्लियरेंस के लिए 30 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं।
वहीं इन इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन मंजूरी के लिए 30 जून 2025 तक आवेदन करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह नीति 31 मार्च 2028 तक प्रभावित रहेगी। मालूम हो कि बायोफ्यूल्स के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी और साथ ही किसानों को गन्ना एवं अनाज उत्पादन का शीघ्र भुगतान भी प्राप्त हो सकेगा। कचरा को कंप्रेस्ड गैस में परिवर्तित करने की सुविधा मिलेगी, जिससे व्यापार का नया अवसर प्राप्त होगा। जीवाश्म ईंधन के आयात पर राष्ट्रीय निर्भरता कम होगी, जिससे कि विदेशी मुद्रा की बचत होगी। सीएम नीतीश ने जेपी गंगा पथ का लिया जायजा। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जेपी गंगा पथ परियोजना के गायघाट के पास चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया और साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए गए। बता दें कि इस दौरान सीएम नीतीश के द्वारा चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली गई। वहीं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के द्वारा सीएम नीतीश को जानकारी देते हुए बताया गया कि जेपी गंगा पथ का गायघाट तक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश देते वे कहा कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि लोगों को आवागमन और आसान हो सके। वहीं इसके बाद सीएम नीतीश के द्वारा जेपी सेतु से NH-19 तक के कनेक्टिविटी का भी जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की संपर्कता और बेहतर बनाने के लिए पथ निर्माण और पुल निर्माण के कई कार्य किए गए हैं। पटना से बाहर आने वाले जाने वाले लोगों का संपर्क और सुलभ बनाने के साथ साथ पटना शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं में दाखिले के लिए आवेदन शुरू। अगर आप भी सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं में नामांकन लेना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार बोर्ड के द्वारा सिमुलतला आवासीय विद्यालय में 11वीं में नामांकन लेने के लिए आवेदन की शुरुआत आज यानी कि 6 जुलाई से कर दी गई है, जो कि 17 जुलाई तक चलने वाली है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी 6 से 17 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आवेदन कुल 107 सीटों पर नामांकन के लिए लिया जा रहा है, जिनमें छात्रों के लिए तीनों संकाय को मिलाकर कुल 57 सीट है, तो वहीं छात्राओं के लिए 3 संकाय को मिलाकर कुल 50 सीटें हैं। मालूम हो कि नामांकन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। वहीं वैसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं उन्हें शुल्क के तौर पर 960 रुपए देने होंगे और वैसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग वर्ग से आते हैं उन्हें शुल्क के तौर पर 760 रुपए देने होंगे। जुलाई माह में मत्स्य पालक इन बातों पर दे ध्यान। IPRD विभाग के द्वारा पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा जुलाई माह में मत्स्य पालकों को कुछ बातों पर ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिनमें ब्रूडर तालाब में पूरक आहार का प्रयोग मछली के कुल शरीर भार का 2-3% का दर से करें, बेहतर प्रजनन मछली तैयार करने के लिए प्रति किलोग्राम पूरक आहार में 10 ग्राम मिनरल मिक्सचर एवं 5 ग्राम गट प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करें। मत्स्य बीज उत्पादक अपने हैचरी से राहु कतला मृगल ग्रास कार्प कॉमन कार्प एवं सिल्वर कार्प का स्पॉन का उत्पादन गहन प्रबंधन से करना चालू रखें। नर्सरी तालाब में स्पॉन डालने के 15 दिनों के बाद ही रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करें। स्पॉन का चयन 15 से 20 लाख प्रति एकड़ की दर से करें। रियरिंग तालाब की तैयारी के बाद फ्राई का संचयन 1.5 से 2 लाख प्रति एकड़ की दर से करें। तालाब में चुने का प्रयोग 15 दिनों के अंतराल पर पीएच मान के अनुसार 10 से 15 किलोग्राम एकड़ की दर से करें। माह में एक बार जैविक खाद के 100 किलोग्राम और सिंगल सुपर फास्फोर 15 से 20 किलोग्राम एकड़ के दर से घोल का छिड़काव करें। दोनों खादों के बीच अंतराल कम से कम 15 मिनट का होना चाहिए। वहीं पानी ज्यादा हरा होने पर चूना एवं रासायनिक उर्वरक का प्रयोग बंद करें। मौसम खराब होने पर तालाब के पूरक आहार का प्रयोग न करें। मछलियों को संक्रमण से बचाने के लिए प्रति माह 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग करें। सोन नदी में फंसे ट्रकों को निकालने की कवायद अब तक जारी। बीते गुरुवार की रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार के सासाराम के इंद्रपुरी के कटार में सोन नदी से बालू खनन करने गई 30 ट्रकें फंस गई थी, जिसे निकालने की कवायद अब भी जारी है। बता दें कि फंसे इन 30 ट्रकों में से 2 ट्रकें पहले ही जल में समाहित हो गई थी। वहीं अब बाकी बचे 28 ट्रकों में से 12 ट्रकों को निकाल लिया गया है। वहीं बाकी बचे 16 ट्रकों को निकालने की कवायद अब भी जारी है। स्थानीय स्तर पर ट्रक मालिक तथा बालू घाट के संचालक सभी मिलकर JCB मशीन तथा पोकलेन मशीन के माध्यम से ट्रकों को निकालने का काम कर रहे हैं। हालांकि नदी के जलस्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में देरी होने पर ट्रकों के लिए खतरा बढ़ते जा रहा है। मालूम हो कि इन ट्रकों को निकालने की कवायद पिछले काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अब तक सभी ट्रकों को निकालने में सफलता नहीं मिल पाई है। बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना। बिहार के मौसम का मिजाज सावन के महीने की शुरुआत के साथ पूरी तरह से बदल चुका है। तापमान में गिरावट की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार बिहार के उत्तर पूर्व यानी सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार और दक्षिण पूर्व बिहार जिनमें भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया जिले आते हैं, वहां एक या दो स्थानों पर वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग द्वारा यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि बिहार में अभी ऐसे ही मानसून जारी रहने वाले हैं। आने वाले एक या दो दिनों में तेज रफ्तार
से पछिया हवा चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि आने वाले दो दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। बिजली खपत की जानकारी अब मिलेगी और तेजी से। लोगों को बिजली खपत से संबंधित पूरी जानकारी मिल सके और तेजी से मिल सके, इसके लिए स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर ऐप की गति को बढ़ाने के लिए अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। बता दें कि इसको लेकर बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस के द्वारा तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठक भी की गई, जिसमें दोनों वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक आदित्य प्रकाश और महेंद्र कुमार के अलावा EESL और EDF के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बता दें कि इस बैठक में CMD के द्वारा कहा गया कि अब तक राज्य में 15 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। ऐसे में अगले 2 सालों में 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर हो जाएंगे, इसलिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप सेवा को और पारदर्शी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐप अपग्रेड करने के लिए एजेंसी को 3 से 4 दिनों का समय दिया गया है। बिहार पर्यटन निगम लाया वैद्यनाथ धाम यात्रा स्पेशल टूर पैकेज। सावन के महीने की शुरुआत हो गई है, ऐसे में बिहार पर्यटन निगम की ओर से बिहार वासियों को एक तोहफा दिया गया है। दरअसल बिहार पर्यटन निगम के द्वारा वैद्यनाथ धाम यात्रा स्पेशल टूर पैकेज लाया गया है। मालूम हो कि यह पहली बार है जब निगम की ओर से यह टूर पैकेज लाया गया हो। बता दें कि अगर आप भी इस टूर पैकेज का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग की शुरुआत हो चुकी है। निगम के प्रबंधक सुमन कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह टूर पैकेज पटना देवघर पटना के लिए 1 रात और 2 दिन का है। ऐसे में यात्रियों को ट्रैवलर से यात्रा करने के लिए प्रति व्यक्ति 7,700 रुपए और बस से यात्रा करने के लिए प्रति व्यक्ति 7,200 रुपए देने होंगे। इस टूर पैकेज में यात्रियों को ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और स्नैक्स दिए जाएंगे। वहीं यात्रियों को गाइड और डबल बेड शेयरिंग की भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पटना सुल्तानगंज देवघर पटना पैकेज टूर है, जो 1 दिन व 2 रात का है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत पाएं ये सुविधा। बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत किन सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अधीन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित लाभुक अपनी पसंद से देश में किसी भी उचित मूल्य विक्रेता से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि यह सुविधा पूरे देश में उपलब्ध है और 1 से अधिक स्थानों पर भी अनुमानता के अनुसार राशन कार्डधारी बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर किसी महीने का राशन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि लाभुक राशन लेने के पश्चात अपनी रसीद अनिवार्य रूप से ले लें और उसमें अंकित मात्रा की जांच अवश्य कर लें। लेकिन इन सबके अलावा लक्षित जन वितरण प्रणाली के तहत दिया जाने वाला चावल आयरन, फॉलिक एसिड तथा विटामिन B12 से फोर्टिफाइड है। ऐसे में थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों को फोर्टिफाइड चावल का सेवन चिकित्सकीय पर्यवेक्षण में करना चाहिए। वहीं सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित लाभुक फोर्टिफाइड चावल का सेवन न करें। GST फर्जी रजिस्ट्रेशन पर सरकार सख्त। GST के फर्जी रजिस्ट्रेशन को पकड़ने के लिए सरकार की ओर से 2 महीना लंबा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में इस अभियान के तहत अब तक 4,900 फर्जी GST पंजीकरण को पकड़ा गया है, तो वहीं 15 करोड़ रुपए से टैक्स का चोरी पता चला है। बता दें कि समाचार एजेंसी PTI के एक रिपोर्ट के अनुसार यह अभियान 15 जुलाई को खत्म होने वाला है। मालूम हो कि इस अभियान के तहत कुल 69,600 GST नंबरों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए चुना गया था, जिसमें से अब तक 59,178 नंबर को फील्ड ऑफिसर्स की ओर से वेरीफाई किया जा चुका है, जिसमें 15,035 टैक्स चोरी पकड़ी गई और 1,506 करोड़ रुपए की ITC को ब्लॉक किया गया है, जबकि कुल 87 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से इस अभियान की शुरुआत 16 मई से की गई थी। स्लो होने से बचाने के लिए अपनाएं ये तरीका। आज के समय में हमारे एंड्रॉइड फोन में कई सारे ऐप्स और गेम्स इंस्टॉल होते हैं जिनका डाटा फोन में स्टोर होता है। ऐसे में हमारे फोन स्लो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस देता रहे तो इसके लिए आपको समय समय पर ऐप कैचे क्लियर करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन की सेटिंग्स ओपन करें। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए आपको ऐप्स पर टैप करना होगा। यहां से आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स की लिस्ट देखने का विकल्प मिल जाएगा और उस ऐप पर टैप करना होगा जिसका कैचे क्लियर करना है। ऐप से जुड़ी जानकारी स्क्रीन पर देखने के बाद स्टोरेज पर टैप करना होगा और क्लियर स्टोरेज में जाने के बाद क्लियर कैच विकल्प चुनना होगा। मैनुअल कैच क्लियर करने के अलावा चुनिंदा ऐप्स की मदद से भी ऐसा किया जा सकता है। बता दें कि अगर आप ऐप कैचे क्लियर करते हैं तो आपका कोई जरूरी डाटा भी डिलीट नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिलता है। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में इस दिन राज्य भर में चक्का जाम करेंगे पप्पू यादव। इन दिनों बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन होने के बाद विरोध किया जा रहा। वहीं अब शिक्षक अभ्यर्थियों को उनके विरोध में पप्पू यादव की पार्टी जाप का भी समर्थन मिल गया है। दरअसल बीते दिन शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग में पप्पू यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई। वहीं इस मौके पर पप्पू यादव के द्वारा राज्य सरकार पर
मामला भी बोला गया। उन्होंने कहा कि डोमिसाइल नीति को हटाना बिहार के युवाओं के साथ विश्वासघात है। सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार के युवा पलायन के लिए विवश हो गए हैं। डोमिसाइल नीति को हटाने को लेकर हमारे द्वारा पूरे राज्य में 9 जुलाई को चक्का जाम और 16 जुलाई को रेल चक्का जाम करते हुए आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार अपने फैसले को नहीं बदलती है तो जाप हड़ा आंदोलन करेगा। नितिन गडकरी ने वाहन मालिकों को दिया खुश करने वाला बयान। बीते दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उदयपुर के प्रतापगढ़ में पेट्रोल के दामों को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया कि अब किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा। यह हमारी सरकार की सोच है और इसलिए अब मैं अगस्त में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों का लॉन्च कर रहा हूं। अब सभी गाड़ी किसानों के द्वारा तैयार की गई इथेनॉल पर चलेगी। 60% इथेनॉल और 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो अब 15 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जिससे कि अन्नदाता का भला होगा और किसान ऊर्जा दाता बनेगा। देश का प्रदूषण कम होगा, इम्पोर्ट कम। उन्होंने कहा कि 16 लाख रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटे को रोजगार मिलेगा। CSR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संशोधन किया गया है कि पर्ली से डामर भी तैयार होगा। पानीपत से पर्ली से इथेनॉल तैयार हो रहा है और हवाई जहाज के चलने के लिए जो ईंधन लगता है वह भी हमारा किसान बना रहा है। यही हमारी सरकार की कमाल है। उन्होंने कहा कि हम देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। पिता को याद कर भावुक हुए चिराग पासवान। बीते दिन चिराग पासवान के द्वारा अपने पिता रामविलास पासवान की जयंती पर अपने पिता को याद करते हुए कहा गया कि अगर आज वह होते तो बात ही कुछ और होती। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी भी कीमत पर हाजीपुर को नहीं छोड़ेंगे। मालूम हो कि बीते दिन चिराग पासवान के द्वारा ट्वीट कर अपने पिता को याद करते हुए लिखा गया था कि हैप्पी बर्थडे पापा, आपकी बहुत याद आती है, मिस यू। वहीं इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया और लिखा गया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस वीडियो में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने स्वयं कहा है कि मैं चाहता था कि चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़े। कुछ लोग सिर्फ दिग्भ्रमित कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वहीं बीते दिन रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग पासवान के द्वारा सपरिवार उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और साथ ही हाजीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया गया। सूर्य कुमार ने नेट्स में लगाए कमाल के शॉट्स, वीडियो हुआ वायरल। 12 जुलाई से भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 मैचों के टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव वनडे सीरीज से भारतीय टीम में वापसी करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी वापसी से पहले ही सभी को सावधान कर दिया है। दरअसल सूर्य कुमार यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें नेट्स में अपने बल्ले से धमाका करते देखा जा सकता है। मालूम हो कि यह वीडियो सूर्य कुमार यादव के द्वारा अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है। बता दें कि सूर्य कुमार यादव के द्वारा लगाए जा रहे इन शॉट्स को देखकर ऐसा लग रहा जैसे वह वेस्टइंडीज दौरे पर बल्ले से धमाकेदार पारियां खेलने वाले हैं। ऐसे में यह देखना शानदार होगा कि सूर्य कुमार यादव को वेस्टइंडीज की बॉलिंग लाइन अब कैसे रोक पाएगी। मालूम हो कि सूर्य कुमार यादव के द्वारा कुल 23 ODI मैच खेला गया है, जिसमें उन्होंने 433 रन मारते हुए 2 अर्धशतक अपने नाम किया है। वहीं उन्होंने 48 T20I मैच खेला है, जिसमें उन्होंने कुल 1675 रन मारते हुए 3 शतक अपने नाम किया है। भारतीय इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। पश्चिम बंगाल के सिरपुर में 1787 को भारतीय वनस्पति उद्यान की स्थापना हुई। महात्मा गांधी को 1944 में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। भारत चीन युद्ध की वजह से बंद पड़ा नाथुला पास फिर से 1962 में खोल दिया गया। 44 वर्ष बाद भारतीय चीन में 1962 के युद्ध के बाद से बंद पड़े नाथुला दर्रे को 2006 में खोला गया। यहां से भारत और चीन के बीच व्यापार होता था। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन की जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2012 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 2012 से 2014 की अवधि में चीन सबसे आकर्षक निवेश स्थल रहा। उसके बाद अमेरिका भारत का स्थान रहा। प्रसिद्ध समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का जन्म 1837 में हुआ था। जनसंघ के संस्थापक और भारतीय राजनीतिज्ञ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 1901 में हुआ था। भारत की प्रख्यात समाज सुधारक लक्ष्मीबाई केलकर का जन्म 1905 में हुआ था। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म 1935 में हुआ था। भारत सरकार में पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री रहे अनिल माधव दवे का जन्म 1956 में हुआ था। हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक प्रताप नारायण मिश्र का निधन 1894 में हुआ था। आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष जगजीवन राम का निधन 1986 में हुआ था, जिन्हें आदर से बाबूजी कहा जाता था। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरू भाई अंबानी का निधन 2002 में हुआ था। नौतम भट्ट का निधन 2005 में हुआ, वो भारतीय वैज्ञानिक थे। फिल्म निर्देशक मनी कौल का निधन 2011 में हुआ। आज के दिन को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती और विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बरेलखंड में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड पर लोन के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचना वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आधार कार्ड पर लोन के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या प्रधानमंत्री लोन योजना के तहत हर किसी को आधार कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि नहीं, यह दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। तथ्यों की सही जाँच किए बिना अपनी आधार संबंधित जानकारी किसी के साथ साझा न करें। बीते दिन मदरा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने मदरा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रामनवी मांझी, सलीम अंसारी, प्रयाग सिंह, मृत्युंजय कुमार, नन्नू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, मुटु रंगीला, नौशद अंसारी, बाबूलाल मरांडी, तबरेज आलम, कृष कुमार यादव, रवि कुमार पटेल, राज, रविशंकर, उदय कुमार पासवान, भरत पासवान, भारती। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बारिश में होने वाली बीमारियों से आप खुद को बचाने के लिए क्या उपाय अपना रहे हैं? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखते चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखते तो पेज को फॉलो करना ना